आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। जानू क्या कह रहे थे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर आज 20 दिन का समय कंप्लीट कर चुकी हैं, तो जानेंगे दोस्तों ये मूवी आज के दिन 20वें दिन कितनी कमाई कर रही है। वही दोस्तों दोनों फिल्मों के 20 दिनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कितना हो चुका है, तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर ली है। वही दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से कौन सी मूवी निकल चुकी है आगे और कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 3 के बारे में, तो इस मूवी को जहां अनीस बाजमी का डायरेक्शन बनाया गया, वहीं दोस्तों मूवी का बजट था 150 करोड़ रुपए। इस मूवी में जहाँ कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, त्रिपति दिमरी, माधुरी दीक्षित अहम किरदार नजर आए थे। वही दोस्तों बात की जाए भूल भुलैया 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने जहाँ पहले दिन इंडिया से नेट कमाई की 36 करोड़ 60 लाख रुपए की, तो मूवी के पहले दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 55 करोड़ 70 लाख रुपए का रहा था। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के पहले हफ्ते के कलेक्शन के बारे में, तो भूल भुलैया 3 मूवी ने जहां पहले हफ्ते में इंडिया से नेट कमाई की 168 करोड़ 86 लाख रुपए की, तो इस मूवी के पहले हफ्ते का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 261 करोड़ रुपए का रहा था। दोस्तों भूल भुलैया 3 मूवी ने जहाँ दूसरे हफ्ते में कमाई 65 करोड़ 78 लाख रुपए, तो बात की जाए दोस्तों इस मूवी के अभी तक के कलेक्शन के बारे में, तो आज इस मूवी को जहाँ सिनेमाघरों में 20वां दिन है, तो इस मूवी ने कल 19वें दिन 2 करोड़ 23 लाख रुपए की कमाई की, तो ये मूवी आज 20वें दिन सिनेमाघरों से 2 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 मूवी के 20 दिनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 257 करोड़ 84 लाख रुपए का, तो इस मूवी ने अभी तक 20 दिनों के अंदर टोटल दुनिया भर से 388 करोड़ 74 लाख रुपए की कमाई कर ली है। और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से भूल भुलैया 3 मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है, जिसने दोस्तों बजट से 2 गुनी कमाई कर ली है। दोस्तों बात की जाए बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की मूवी सिंघम अगेन के बारे में, तो सिंघम अगेन मूवी को जहां रोहित शेट्टी के डायरेक्शन बनाया गया, वहीं दोस्तों मूवी का बजट है 350 करोड़ रुपए का। इस मूवी में जहां अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, अर्जुन कपूर, दीपिका पाडुकोण, करीना कपूर खान अहम किरदार नजर आए थे। वहीं दोस्तों बात की जाए सिंघम अगेन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सिंघम अगेन मूवी ने जहां पहले दिन इंडिया से नेट कमाई की 43 करोड़ 70 लाख रुपए की, तो इस मूवी के पहले दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 65 करोड़ रुपए का रहा था। वही दोस्तों बात की जाए सिंघम अगेन मूवी के पहले हफ्ते के कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने जहां पहले हफ्ते में इंडिया से नेट कमाई की 186 करोड़ 60 लाख रुपए की, तो सिंघम अगेन मूवी के पहले हफ्ते का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 273 करोड़ 90 लाख रुपए का रहा था। वही दोस्तों बात की जाए इस मूवी के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के बारे में, तो सिंघम अगेन मूवी ने जहां दूसरे हफ्ते में कमाई 54 करोड़ 61 लाख रुपए, तो बात की जाए इस मूवी के अभी तक के कलेक्शन के बारे में, तो सिंघम अगेन मूवी को जहां सिनेमाघरों में आज 20वां दिन है, तो इस मूवी ने कल 19वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 1 करोड़ 61 लाख रुपए की कमाई की, तो ये मूवी आज 20वें दिन 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन मूवी के 20 दिनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 258 करोड़ 95 लाख रुपए का, तो सिंघम अगेन मूवी ने 20 दिनों में अभी तक टोटल दुनिया भर से 390 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई कर ली है। दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। वही दोस्तों दोनों मूवी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आज के 20वें दिन के कलेक्शन की बात की जाए, तो आज के कलेक्शन के हिसाब से कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 3 मार रही है बॉक्स ऑफिस पर बाजी। भूल भुलैया 3 बनी इंडियन बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी मूवी, कार्तिक आर्यन बने इंडियन बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों अगर आपने दोनों फिल्मों को देखा है, दोनों में से आपको सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। दोस्तों